क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। आपने डिक्लेयर किया हुआ इसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के। क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है। मरियम सफदर ओन्ड अ BMW कार व्हिच वाज गिफ्टेड टू हर बाय द UAE रॉयल फैमिली। मेरे पास वैसे कभी BMW मेरे पास वैसे कभी BMW स्क्रीन पे देख सके ना सफदर साहब जिस BMW गाड़ी से उतरी उसका नंबर आप देखें तो वो SN777 है। ये आपको नजर आएगा मरियम सफदर साहिबा इस SN777 गाड़ी से उतरी और ये BMW गाड़ी है और ये BMW गाड़ी है और ये BMW गाड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ जस्टिस उमर साहब बनियाल की तरफ से दो साथी जजों को साथ बिठाकर फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया कि 14 मई को इंतखाबात करवाए जाएं, शेड्यूल को जारी रखा जाए। उसके साथ साथ हुकूमती अदारों को भी हुक्म दिया गया कि सिक्योरिटी फराहम करनी है, पैसे देने हैं। 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को जारी किया जाए। इसके साथ चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये भी कह दिया गया कि 10 तारीख तक पैसे इलेक्शन कमीशन को हुकूमत की तरफ से मिल जाने चाहिए। अगर पैसे नहीं मिलते तो फिर इलेक्शन कमीशन आके हमें बताए, 11 तारीख को हम इस पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। ये सारी बातें जस्टिस उमर ता बंदियाल और उनके बेंच की तरफ से बड़ी सख्ती के साथ की गई, लेकिन इसका हुकूमत पर कितना असर हुआ? कोई असर नहीं हुआ। ना सिर्फ ये कि कोई असर नहीं हुआ बल्कि हुकूमत की तरफ से जस्टिस उमर ता बंदियाल और उनके साथी जजों के खिलाफ उनके साथी जजों को ही खड़ा कर दिया गया कि इस तरीके से काजी फैज साहब, मंदू ख्याल साहब, याया फरीदी साहब और मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसले पर फैसला, इख्तलाफी नोट पर इख्तलाफी नोट जारी करते रहे। ऐसा लग रहा था कि बाकायदा मुहिम के जरिए ऐसा कुछ हो रहा है। एक तरफ जाई साहिबान उमर ता बंदियाल के खिलाफ ये सारा कुछ कर रहे थे, कह रहे थे, दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। जस्टिस उमर ता बंदियाल की किरदार कुशी करने के हवाले से इनको गालियां तक भी दे दी गई। आज 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जानी थी कि हुकूमत ने हमें पैसे जारी करने से इनकार कर दिया है। हुकूमत एक करारदाद भी पार्लियामेंट में ले आई और इसके अलावा काबीना के इजलास में भी ऐसा ही फैसला किया गया कि पैसे नहीं देने। अदलिया के हवाले से जो भी इन लोगों के मुंह में आया इन्होंने कह दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी और खसूसी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या कुछ कहते रहे, लेकिन इस सब का नोटिस अदलिया की तरफ से नहीं लिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट ब्लैकमेल हो गई है? क्या सुप्रीम कोर्ट माफिया के सामने लेट गई है? इन लोगों के सामने बेबस हो गई है? बहुत बड़े सवालात हैं, इनके बारे में क्या कहा जा सकता है। लेकिन उमर ता बंदियाल साहब जिस तरीके से मसल दिखाते हुए नजर आए थे, आज वो बिल्कुल खामोश हैं। क्या हो गया? क्या साथी जजों की ब्लैकमेलिंग में आ गए, या फिर इन्होंने गुज़श्ता दिनों जो अपने साथी जजों के साथ मुलाकातें की थी उनका कोई असर हुआ है कि उमर ता बंदियाल साहब अपने फैसलों पर अमल दरामल करवाते हुए नज़र नहीं आ रहे? उधर अरशद शरीफ शहीद होने के बाद भी इन लोगों को बेनकाब कर रहे हैं, इन लोगों का कच्चा चट्टा खोल रहे हैं। अरशद शरीफ शहीद हो चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो वीलाग बनाए गए थे, जो कुछ कहा गया था, आज वो इनके झूठों को बेनकाब कर रहा है। उन झूठों को जो आज बोले जा रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ की तरफ से मंसूर अली खां को इंटरव्यू दिया जाता है, उसमें कुछ चीज़ों को काट दिया जाता है। मंसूर अली खान इस हवाले से शर्मिंदगी का इजहार भी कर रहे हैं और साथ साथ फ़ख्र का इजहार भी कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मेरे इंटरव्यू के हिस्से जो नहीं चलने चाहिए थे, जो नहीं चले, वो लीक हुए हैं, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी है। लेकिन साथ वो यही भी कहते हैं कि उन हिस्सों में जो कुछ मैंने पूछा था, जो कुछ कहा गया था, वो मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है कि मैंने ऐसे कड़े और सख्त वालात मरियम नवाज शरीफ साहिबा से किए थे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के दो क्लिप वायरल हुए हैं, एक उनके अब्बा जी की मर्सिडीज़ के हवाले से है और दूसरा उनके अपने असासों और
उनकी अपनी BMW के हवाले से है जो मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से फरोख्त कर दी गई थी। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इस क्लिप में ये कहा था कि मेरे पास तो कभी BMW नहीं रही। ये सुनिए मंसूर अली खान को मरियम नवाज शरीफ साहबा क्या कह रही हैं। इसको भी अभी ना करें प्लीज, मैं पहले सुन लूं सवाल, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। नहीं, UAE की रॉयल फैमिली से आपने 2009-2010 के अंदर, कहाँ है ये रिकॉर्ड में है? ये JIT की रिपोर्ट में आया भाई, क्या डिक्लेयर्ड है आपके रिटर्न्स के अंदर। मरियम सफदर ओन्ड, ये अब एग्जैक्ट रिपोर्ट बता रही, मरियम सफदर ओन्ड BMW कार विच वॉज गिफ्टेड टू हर बाय द UAE रॉयल फैमिली एंड द वैल्यू ऑफ द कार डिक्लेयर्ड एज ₹3.5 million इन द टैक्स ईयर 2009-2010। The same car was declared to be sold on a profit of ₹19.66 million, तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची in the year 2011-12। आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे, बंद कर दें जरा प्लीज। Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013 as well. आपने डिक्लेयर किया हुआ इसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। मेरा ख्याल है कि ये फैमिली की कोई होगी, मुझे इस पैसे ऑनेस्ट उसके बाद मैं इसको चेक करके आपके पास वापस आ सकता। सफदर साहब ने उसके बाद मेरे पास वैसे कभी BMW नहीं थी जी। तो आपने सुन लिया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने क्या कहा, और फिर आप ये सुने कि अरशद शरीफ इस बारे में क्या कह रहे हैं जो उन्होंने पहले कहा था, जिससे मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये कहना सरासर गलत और झूठ साबित हो गया। अरशद शरीफ ने ये कहा था, इन गाड़ियों से इमरान खान साहब ने ट्वीट की कि जी ये ऑफिशियल प्रोटोकॉल है, हमारी स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन कहती हैं कि जनाब ये सरकारी प्रोटोकॉल नहीं है, इमरान खान साहब झूठ बोलते हैं। मरियम नवाज साहिबा जब पहुंची साइट पर, यानी कि फेडरल जुडिशियल अकेडमी, तो प्राइवेट गाड़ियां थी खानदान की, प्राइवेट व्हीकल्स ऑफ द फैमिली। अब उसकी कुछ तफसील आपको दिखाता हूं नाजरीन, अगर आप स्क्रीन पे देख सकें तो सफदर साहिबा जिस BMW गाड़ी से उतरी उसका नंबर आप देखें तो वो SN777 है। ये आपको नजर आएगा, मरियम सफदर साहिबा इस SN777 गाड़ी से उतरी और ये BMW गाड़ी है। आपको ये मनाजिर भी नजर आ रहे हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा भी साथ हैं, जिन्होंने कहा कि जी ये खानदान की जाती गाड़ियां थी SN777। और जब आप इस्लामाबाद एक्साइज की रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं तो मोहम्मद दाऊद साहब को गालिबन मुबारक हो, जो काला खान साहब के साहबजादे हैं, कि उनका CG125 मोटरसाइकिल BMW गाड़ी में कन्वर्ट हो गया। जी हां, और अब ये शायद अगर क्लेम करना चाहें तो ये BMW गाड़ी क्लेम कर सकते हैं। असद उमर साहब, मोहम्मद दाऊद साहब को आप मुबारकबाद देंगे कि 125 मोटरसाइकिल BMW गाड़ी में कन्वर्ट हो गया, वो भी मरियम सफदर साहिबा जिसमें आई, मरियम औरंगजेब साहिबा जिसको कहती है खानदान की जाती गाड़ी है। तो नाजरीन आपने सुन लिया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या कह रही थी और अरशद शरीफ साहब ने कैसे उनके झूठ को बेनकाब किया है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा उम्रे की अदायगी के लिए हजाज मुकदस पहुंच चुकी हैं, उनके अब्बा जी वहां पर आ चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब भी वहां जाने वाले हैं, तो ये लोग वहां पे बैठकर क्या करेंगे। दुआ ये करनी चाहिए कि हजाज मुकद्दस में ये वही करें जो एक मुसलमान करता है, लेकिन इनसे क्या बईद है कि वहां पे जाकर ये साजिशों का जाल बुनेंगे, जैसे पहले इन लोगों की तरफ से ऐसा कुछ किया जाता रहा है। हुसैन नवाज वहां पे मौजूद था तो 50 करोड़ रुपए वो जज अरशद मलिक को रिश्वत दे रहा था। ये लोग वहाँ पे जाके ऐसे नापाक मंसूबे बनाते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनके वालिद साहब और उनके चचा अगर वहाँ पे जाके एक मुसलमान की तरह इबादत में वक्त गुजारें तो क्या ही बात है। ऐसी साजिशों से अपने आप को दूर रखें, जिनकी वजह से इनका पहले भी मुंह काला होता रहा है। अगर आप यह हजाज मुकद्दस में जाकर ऐसी साजिशें करेंगे तो एक बार फिर इनका मुंह उसी तरीके से काला होगा। नाजरीन, हमने अपनी बात शुरू की थी जस्टिस उमरता बंदयाल साहब से। जस्टिस उमरता बंदयाल साहब कुछ फैसलों में बड़ी जुर्रत दिखाते हुए, बड़ी दिलेरी दिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन दो चीज़ें कौम ने किसी सूरत में नहीं भूलनी। एक तो 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया गया, तो यही उमरता बंदयाल साहब 4 मजीद जजों को साथ लेकर बैठे थे। इन्होंने जो आर्डर पास किया था, इन्होंने जो हुक्म दिया था, उसी के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हो गया। ये कभी नहीं भूलना कि उमरता बंदयाल साहब वही जज हैं।
आज ये जो भी कहते रहे, लेकिन आज जितनी बुराइयां हैं, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में जिस तरीके से मुईशत डूबी है, जिस तरीके से महंगाई का तूफान उमड़ता हुआ बढ़ता ही जा रहा है, जिस तरीके से दहशतगर्दी एक बार फिर पाकिस्तान में बदतरीन तरीके से दाखिल हो चुकी है, इसका सारे का सारा जुम्मा उन लोगों का है जिन लोगों ने इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया था। और उसमें सर फहरिस्त कौन थे? उसमें सर फहरिस्त अदलिया थी, जिसकी तरफ से 100 वोटों लेकर वो फैसला किया गया था। और फिर दूसरी बात आपने वो नहीं भूलनी, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जिस रोज़ फर्द जुर्म आयद होनी थी, ऐन उस रोज़ उनको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया गया। और पाकिस्तान उसके बाद फिर कहाँ चला गया, कहाँ ऊपर था, अरूज पर था, ज़र मुबादला के ज़खायर कहाँ पर थे, और महंगाई की क्या सूरत हाल थी। उसके बाद आप देख लें कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो चुका है। इस सब के जिम्मेदार अगर गर्दाना जाता है तो 3 किरदार हैं, उमर ताब बंदयाल साहब का बेंच, शहबाज शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।